तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पीएम मोदी को लेकर विवादित उन्होंने बयान दिया। इस पूरे मामले में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महंत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता में विश्वसनीयता खत्म होने से कांग्रेस के लोग बौखला गए। जनता ने अब उन्हें बाय बाय बोलने का तय कर लिया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को बिना दूल्हे की बारात बता दिया। ये भी कहा कि कांग्रेस में न नेता है, न नीति है, न नियत है। इसके अलावा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का न्योता ठुकराने पर भी डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जिस प्रकार से जनता में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हुई है, कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं और लगातार अशोभनीय अमर्यादित बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर चरणदास महंत हो, चाहे कवासी लखमा हो और ये इनके अन्य नेता हों। छत्तीसगढ़ की राजनीति को 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो कलंकित किया है, लगातार ये जारी है और अब छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी इनके कृत्यों को देख रही है। कि जब कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व नहीं है, नियत नहीं है, काम नहीं है, नेता नहीं है, न इनके पास दूल्हा है, न इनके पास बाराती है और आज चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है कांग्रेस के खेमे में। उल्टी सीधी बयानबाजी, उल्टी सीधी भाषा का उपयोग ही ये कर रहे हैं। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। हम छत्तीसगढ़ियों के भांजा हैं भगवान राम। हमारे भांजा राम के 500 साल बाद अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। सामान्य शिष्टाचार है, जब कोई किसी को निमंत्रण देता है तो उसे ठुकराया नहीं जाता है। आप जाते नहीं जाते, आपकी इच्छा थी, पर निमंत्रण ठुकराना ये कितना बड़ा अपमान का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सनातन के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ लगातार ये विस्मरण करते रहे हैं, उनको अपमानित करते रहे हैं। तो ये आज देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन है विधर्मी।